साथियों, तमाम देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो का आखिरी तक बने रहे, चूँकि आज हम रसल्स वाइपर के बारे में कुछ बढ़िया सा जानकारी देंगे। चूँकि रसल्स वाइपर काटने से क्या होगा और रसल्स वाइपर इतना ख़तरनाक क्यों है, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन इस मंच पर यूपी उत्तर प्रदेश से आए हुए, इस मंच पर सबसे पहले हम इस मंच पर स्वागत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? लकी कुमार। लकी कुमार जी, आई एम फ्रॉम यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर से आए हुए हैं आप सर? राजन भारती गोरखपुर से। राजन भारती जी गोरखपुर से आए हैं, लगभग 700 दूरी तय करके। आप सर? जी सर, उमेश कुमार, यूपी गोरखपुर से सर। यूपी गोरखपुर, समझ लीजिए कितना लंबा दूरी तय सफ़र करके इस ठंडी में आए हमसे मिलने के लिए। यार आप? राहुल ठाकुर सर, मुंगेर। मुंगेर अपने आप में एक विख्यात एरिया, कहें तो बिहार। जी सर। तो साथियों, इस मंच पर आज हम रसल्स वाइपर के बारे में आप लोगों से पूछेंगे कि चूंकि एक सांप का 28 नाम है, चूंकि 28 स्टेट है तो हर स्टेट में अलग अलग, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसे रसल्स वाइपर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। ये चारों भाई जो आप देख रहे हैं खड़े हैं, एक तो हमको तो लग रहा है भाई साक्षात सलमान खान जी का। देखिए इनका फिगर, जिम उम करते हैं क्या भैया? जी सर, मॉर्निंग वॉकिंग। अरे बाप रे बाप, बहुत सुंदर फिगर है, एकदम सिक्स पैक है। और इनके साथ जितने भी लोग हैं सब अपने आप में विख्यात हैं। तो साथियों, ध्यान दें कि सांपों का फ्री हैंडलिंग ना करें। और हम एक सांप आपको दिखलाने जा रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में अत्यधिक रसल्स वाइपर और अजगर धूप तापने के लिए निकलता है, सेकने के लिए निकलता है। जी सर। और ख़ास करके इसे हमने रेस्क्यू किया है, लेकिन हम इसको चाहेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा कर देना, क्योंकि हम लोगों का धनबाद एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहीं हम जमा कर देंगे। तो थोड़ा सा सर आप लोग दूरी बना लें, हैं? जी सर। ज़्यादा दूर नहीं? जी सर। हाँ हाँ हाँ। देखिए सांप जो पकड़ना है ना, बड़ा आसान सा तरीका है। जी सर। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। देखिए ये जो है रसल्स वाइपर है, ये हीमोटॉक्सिन पॉइजन को छोड़ता है। हीमोटॉक्सिन हाई प्रोटीन होता है, सांप का जहर ही हाई प्रोटीन है, समझ लीजिए। ये देखिए भागने का मुद्रा में चला जा रहा है। आप ये हुक से पकड़िए 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 पकड़िए, रुक जाइए रुक जाइए। रसल, बैठ जाइए। अब रसल्स वाइपर जो होता है ना, ये हीमोटॉक्सिन पॉइजन को छोड़ता है। और ये अगर किसी इंसान को काटता है तो धीरे 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 क्या होता है, ब्लड का टिश्यू डैमेज, वो जगह फूलना, पीज भर जाना और मांस गैंगरिंग कर देता है। किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काटे, यूपी हो चाहे वो खास करके जहाँ का भी हो, खास करके इंडिया हो वर्ल्ड हो, डॉक्टरी सलाह, मेडिसिन, अस्पताल, और नहीं तो मारा जाइएगा। वही पुराना डायलॉग क्या है हमारा, मारा जाइएगा। आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है सांप, चूहों को कम करने के लिए गॉड गिफ्ट है। जी सर, हिंदी में बहरा जोड़ा, बंगला में चंद्र बोड़ा, इंग्लिश में रसल्स वाइपर, साइंटिफिक नेम डोबिया रेसुलस। लेकिन हमारे ये छोटे भाई बताएंगे, क्या नाम सर यूपी में बताते हैं? सर यूपी में थोड़ा अजगर टाइप का होता है। हाँ हाँ। और उसको चितंग बोला जाता है। यही चितंग है क्या? जी सर। हम लेकिन नहीं जानते हैं। जी सर, यही रसल वाइपर को ही चितंग कहते हैं आप लोग? सर इसी टाइप का होता है। जी जी। और धूप खाने के लिए सर एक जगह बैठ जाता है, जो कि लोग कहते हैं कि यह चितंग है। चितंग है जो कि ये सर आपसे सुने हैं कि सर ये रसल्स। अरे बाप रे बाप, रसल्स वाइपर है, इंग्लिश में गूगल में सर दिया हुआ है। जी सर। तो आप लोगों को जज्बे को हम सलाम करते हैं कि 700 किलोमीटर की दूरी तय कर आप लोग मिलने आए हैं, इसीलिए हमारे तरफ से सैल्यूट है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं, इसीलिए यूथ से हाथ जोड़ के अपील है कि खास करके अपने मम्मी पापा से लाइफ भर मिल के रहें और एक ऐसा माहौल तैयार कर दे, क्योंकि बुढ़ापा में खास करके मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम ना भेजें। यूथ से हाथ जोड़ के अपील है जी सर कि शादी के बाद
जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन माँ बाप को हमेशा सटा कर रखें, उनको कोई तरह का तकलीफ ना होने दें। नादान हैं वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम कहते हैं। तो साथियों, यूपी से आए हुए तमाम जो भी भैया बैठे हुए हमारे साथ साथ में, उनको सबसे पहले हमारे तरफ से सैल्यूट है, है ना जी सर। और कुछ बोलना है जी सर? एक बात और कहना चाहते हैं, जो लोग साथी इसको अजगर या चितंग समझते हैं जी जी, कृपया करके ऐसे गलतियां कभी ना करें, क्योंकि इसका नाम रसल्स वाइपर है जी। और इसके काटने पे ब्लग जाम हो जाते हाँ, हैं हाँ, हाँ। कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें जी 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 जी। सारे लोगों से गुजारिश है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।